नमस्कार, आपका स्वागत है जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। हल्द्वानी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हल्द्वानी से भाजपा प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के समर्थन में नैनीताल रोड स्थित बैंकेट हॉल में जनसभा की। उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए जनसभा में मौजूद जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में जनता के हितों के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा नहीं होने दिया। वहीं भाजपा ने सत्ता में आते ही ऑल वेदर रोड समेत उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण कार्य और प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए कई योजनाओं की स्वीकृति भी प्रदान की है। वहीं कार्यक्रम के अंत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के थीम सॉन्ग का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमने तीनों मुख्यमंत्रियों ने, चाहे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं कामे जी, चाहे हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जयराम दास जी, मैं स्वयं हरियाणा से यहाँ आया हूँ, तो सब 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये वीडियो स्क्रीन लगा करके सब जगह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया है। और एक जो गीत है जो लॉन्च किया गया है, जो हमारा थीम गीत रहेगा उत्तराखंड में चुनाव का, तो इस नाते से आज इस कार्यक्रम में हमारे अधिकांश कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, क्योंकि कोविड के कारण से बड़ी संख्या में सभाएं इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन छोटी सभाएं करके सभी जगह 70 जगह पर ये कार्यक्रम किए गए हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें जेजे न्यूज़। धन्यवाद।